हेलो, गुड इवनिंग। तो आइए, लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड का, क्लास 11 से। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। बेसिकली हम पहले ये जान लेते हैं क्लासिफिकेशन होती क्या है। क्लासिफिकेशन वहाँ की जाती है जहाँ एक डाइवर्ज स्पीसीज़ हों, बहुत सारी स्पीसीज़, और एक दूसरे में क्या है कि वो मिक्स हैं। तो उनको एक अरेंजिंग पैटर्न में, एक सीक्वेंस में हम ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर डिसिमिलरिटीज़ एंड सिमिलरिटीज़ एंड हैबिटेट्स एंड बॉडी फीचर्स एंड फीडिंग एट्सेट्रा। बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स के बिहाब पे हम उन स्पीसीज़ को एक ऑर्डर में लगाते हैं, और उसी ऑर्डर और सिस्टम को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, जो मैंने बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन है वो दे दिया है आपको। क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में क्या है, इट इज़ दी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। मेन चीज जो है, ये दो वर्ड इस बात को क्लियर कर रहे हैं। सिस्टमेटिक का मतलब है, ऐसा नहीं कि हमने मर्जी से लगा दिया क्लासिफिकेशन में या एक ऑर्डर में, एक लाइन में। हम सिस्टमेटिक लगाएंगे, उनकी सिमिलरिटीज़ को भी देखेंगे, उनकी हैबिटेट्स को भी देखेंगे, डिससिमिलरिटीज़ को भी देखेंगे, उनके फीचर्स को भी देखेंगे, और फिर इस तरीके से उनको अरेंज करेंगे। ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड्स करेक्टर्स, किस बेसिस पे हम सिस्टम में उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं उनकी, उनके करेक्टर्स पे। ठीक है, उनके करेक्टर्स क्या हैं, मतलब वो किस तरीके का खाना खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, वो मीन्स कार्निवोरस हैं, हर्बीवोरस हैं, या उनकी कोई भी जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हो सकते हैं, एनाटोमिकल करेक्टर्स हो सकते हैं, और आइडेंटिफिकेशन। हम ये देखेंगे कि उनमें उनकी पहचान, मुख्य पहचान क्या है, और एक पहचान के एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को हम अलग सिस्टम में रखेंगे, और फिर उनकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग कैसे करना, अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। नेमिंग के भी कुछ यूनिवर्सल रूल्स बताए हैं आपको। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉटनिकल या साइंटिफिक या जूलॉजिकल नेम हम कहें, तो दो कंपोनेंट्स हम लिखते हैं, स्पेसिफिक नेम एंड जेनेरिक नेम, और फिर उनको हम क्लासिफाई करेंगे, उनके क्लासिफिकेशन करेंगे। उस प्रोसेस का नाम है टेक्सोनॉमी। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टम में अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दियर करेक्टर्स, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट आता है फिर सिस्टमेटिक्स है क्या। सिस्टमेटिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस में भी हम कहें तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। वैसे सिस्टमेटिक्स और नोमेनक्लेचर ये तो केमिस्ट्री में भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या कॉमनली कह देते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं, आइडेंटिफिकेशन और उनके नेमिंग, नोमेनक्लेचर और उनकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जैसे हम अपना उदाहरण दें, होमो सेपियंस, ह्यूमन बींग्स, जो आज हम हैं, हमें मॉडर्न मैन कहा जाता है, हम सिक्स्थ जनरेशन हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इंसान की। तो हमारा जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो किससे बताया जाता है, जैसे कि बंदरों से बताया जाता है, मंकी से, चिंपेंजी, गोरिल्ला, और साउथ अफ्रीका से मॉडर्न मैन जो हम हैं, हमारा इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो हम ये हिस्ट्री देखेंगे कि पहले क्या करेक्टर्स थे, वो धीरे 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 ग्रेजुअल चेंज आते गए, और वो करेक्टर्स आज क्या हैं, और आज के करेक्टर्स पुराने करेक्टर्स से कितने मिलते हैं, क्या वास्तव में इस स्पीसीज का वहां से नाता है। तो हम इस इवोल्यूशन को देखेंगे, उसका पास्ट देखेंगे किसी भी स्पीसीज का और किसी ऑर्गेनिज्म का, उस बिहाफ पे हम उसको सिस्टम में रखेंगे, सेट करेंगे कि कौन सी प्लेस पे, कौन से ऑर्डर में, कौन से जीनस पे, कौन सी स्पीसीज में, कौन सी क्लास में उसको हम अरेंज करें। दिस वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये सिस्टमेटिक्स जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। जैसे हम एक लाइन में अगर हम लगाते हैं बच्चों को, तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटे को सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ताकि सबसे लास्ट का जो बच्चा होता है वो आगे की चीज़ें देख सके। तो वो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, एक ऑर्डर में हम एक बढ़ते क्रम में लगाते हैं उसको। तो सिस्टेमा जो वर्ड है इसका मतलब क्या है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, और इसी वर्ड से निकल के बना है हमारा सिस्टमेटिक्स, SYSTEMATICS, सिस्टमेटिक्स। ठीक है, और इस सिस्टमेटिक्स में भी हम बेसिक जो फैक्टर्स हैं, किस बेस पे, ये साइंस की शाखा है, इसमें हम किस बेस पे सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को सेट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, एंड सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये हो जाती है आपकी क्लासिफिकेशन। तो मेन जो चैप्टर वन लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमें बताना था, हमें पढ़ाना था, वो हम बता चुके हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और भी कोई डाउट्स होते हैं तो हम वो फिर बताएंगे।